शेयर कर रही हूँ। अब ये आराम से बैठे की यहाँ पे चल रही है टेस्टिंग कि कौन सी क्रीम लगाई जाए। दो तीन डब्बियाँ हम अभी लेके आए थे, जो छोटी छोटी सी डब्बी होती हैं। तो क्रीम तो बहुत सारी रखी है, पर बेटी ये सोच रही है कि तीनों में से कौन सी यूज़ करूँ। और देखिए मेरे से पूछ भी रही है दो सिलेक्ट करके कि अब इसमें से कौन सी लगाऊँ। तो फिर मैंने उसको बोला कि ये जो जॉय की वाइट वाली है इसको तुम लगा लो, तो इसकी खुशबू से अच्छी भी लग रही थी। एक्चुअली वो येलो वाली की भी खुशबू एक सी सी ही थी, पर बेटी को ये वाली ज़्यादा पसंद आई तो अब उसने उसे खोल लिया है और इसे लगा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। शाम के बजने वाले हैं 4:30 और आज है मंगलवार। आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की वजह से। आज मेरे टोटल सब्सक्राइबर 3,000 कंप्लीट हो गए हैं। एक्साइटमेंट हो रही थी कि कब ये पूरे हो जाएंगे और कब मैं आप लोगों को ये गुड न्यूज़ दूंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और मैं अपनी खुशी को भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं अपनी खुशी को शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ भी, और साथ में जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानती हूं, जिनकी मैं बहुत बड़ी भक्त हूं बचपन से ही, हनुमान जी, उनके पास जा रही हूं, उनसे भी बताने, जैसे आप लोगों को बता दिए उन्हें भी बताने जा रही हूं कि आज मैं खुश हूं, और उनका तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए संकट मोचन मंदिर जा रही हूं। बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी कि कब मैं जा पाऊंगी, कब मैं जा पाऊंगी। फाइनली आज उन्होंने मुझे बुला लिया है, आज मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और थोड़ा सा बीच में हम इस पार्ट को सेलिब्रेट भी करेंगे। अगर तो वीडियो ज़्यादा लंबी शूट हो गई तो मैं इसको दो बार में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर नॉर्मल एवरेज 8 से 10 मिनट की रही या मैक्सिमम 15 मिनट की भी रही तो मैं एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वहाँ पर हर्षिता रेडी हो रही है और बस मैं निकलने वाली हूँ। मुझे पहुँचने में लगभग 1-1.25 घंटा लग जाता है अगर ट्रैफिक नहीं होता है तो, सेल्फ, क्योंकि मैं स्कूटी से जाती हूँ। तो देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। और आज हमने कुछ थोड़ा सा सेलिब्रेट करने का, मतलब जब मेरे 1,000 कंप्लीट हुए थे तब भी मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, 2,000 हुए तब भी कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। तो आज मॉर्निंग में ही उठते ही मैंने देखा था कि 3,000 क्रॉस हो गए थे। तो मेरी बेटी स्कूल जाने से पहले मुझे बोल कर गई थी कि आज फाइनली आप सेलिब्रेट करोगे। तो ठीक है, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। कुछ सोचे हैं, प्लान किए हैं, अगर तो वो सक्सेस होता है तो आप लोगों के साथ वो शेयर होता रहेगा पूरी वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी खुशी के साथ जुड़े रहिए। और कहीं भी आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देख लेती हूँ कि बेटी पूरी रेडी हो गई है या अभी बाकी है। ओ माई गॉड, इसकी तो कुछ खोजबीन चल रही है, यहाँ पर क्या ढूँढ रही है देखते हैं। वो देखिए यहाँ बैठी है नीचे। हर्षिता क्या ढूंढ रही हो बैग में? ये देखो अब ये आराम से बैठ गई, थक गई मैं, पता नहीं क्या ढूंढ रही है कब से। सारा सामान भी निकाल के वहाँ बाहर रख दिया है। और मैं आज आपको अपने बेडरूम की हालत दिखाती हूँ जो बहुत ख़राब हो रखी है। आज काफ़ी ज़्यादा मैं क्लीनिंग कर रही थी, पर करते करते फिर मैं जब थक जाती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ देती हूँ कि दोबारा जब टाइम लगेगा तब करूँगी। और अभी टाइम क्या है कि जाना है, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से रात में करेंगे। जब आऊँगी तब इस पर बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी बढ़िया से। तो कोई, मैं ना एक्चुअली आप लोगों को बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेती हूँ काम करने की। सारे काम करती हूँ, रूटीन से करती हूँ, तो बहुत हेडेक नहीं लेती हूँ। जिस दिन हेडेक ले ली ना उस दिन तो बस टैबलेट ही खाती रह जाती हूँ। तो इसलिए एकदम वहाँ जाके मिली है, एकदम शांत तरीके से मैं अपने कामों को कर रही होती हूँ। और आप लोगों से भी यही कहूँगी, बिना हेडेक लिए काम को किया करिए, मज़ा आता है लाइफ में। बेटा जी निकले, अभी देखिए यहाँ पे बैग के पास घुसी हुई थी और अब देखो कहाँ पहुँच गई है। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करती ही रहेगी। ये हर्षिता की नई वाली टी शर्ट है जो इसने आज पहनी है। हालात देख के पीछे की, प्लीज प्लीज इसे इसे ये जो पीछे वाली हालत है इसे प्लीज आप इग्नोर करिएगा। आप हमें देखिए, मुझे देखिए, हर्षिता को देखिए, ये सब सामान अभी मत देखिए, इसे इग्नोर करिए। ये भी कोई देखने की चीज है, हमें देखिए।
तो दोस्तों फाइनली आज मैं अपने फेवरेट वाले मंदिर में आ गई थी। अभी तो हम पार्किंग में खड़े हैं और अंदर अलाउ नहीं है ना, शूट करना इसलिए नहीं ले पाती। बाहर से दिखा देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों आप भी दर्शन कर लीजिए। ये है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। बीच में थोड़ी सी लाइट लगी हुई है उधर और गजब की भीड़ हो रही है। फोन, चाबी, ये सब चीज़ें जो होती हैं वहाँ रख सकते हैं। ये बैग जैसे ये लेके आए होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ लॉकर होते हैं उसमें रख सकते हैं। और आज मैं अपने इस बड़े चश्मे में कैसी लग रही हूँ बताना जरूर। हड्डी के ऊपर ही मांस होता है बेटी। मैं हड्डी हूं। वो पीछे उधर देखो। अब लोगों को समझाते हैं आपको नया चश्मा क्यों चाहिए। उधर फोकस करो। अरे नहीं नहीं उधर दिखना चाहिए। और वैसे ब्लैक पर मम्मी के साथ होता है उल्टा। बिना चश्मे के मम्मी को वैसा दिखता है और चश्मे के साथ वैसा। कारण जिसकी वजह से मम्मी को नए चश्मे की जरूरत है, इसी वजह आपने अगर नोटिस किया तो मम्मी दूसरे चश्मे। ये चश्मा उनका गोबर है पर ये चश्मा है। आप लोग चाहें तो इसकी बकवास सुन के इंजॉय कर सकते हैं, आप चाहें तो इस बकवास को स्किप भी कर सकते। तो चलिए अभी कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। और हमारी स्कूटी के पास कहाँ है स्कूटी, गिर गायब हो गई। हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी के पास फाइनली।